like my country, all Indians, my brother and sister. I love my country, Bharatiya Samvidhan. Pahli pratitna hai na, uska arth main abhi samajh pati hu. Woh tha rishta barbada, school mein pahli mein tha, dasvi mein tha. Jaise woh India is my country, haan. Mera naam badalne ke piche bahut bada history. Ek to pehla ho gaya, maa baap maarte the. Bhaag ke bhi jao na, to baap ka naam piche hai. ये नाम तोड़ने के वास्ते मैंने शादी बनाई. मरद का नाम है हेमलता प्रकाश गायकवाड़. अभी मरद भी नहीं संभाल रहा है, इसका नाम भी काय को मांगता मेरा. तो फिर अब ये दोनों भी नहीं, तो अपना नाम एक रख लेंगे. तो अपन कहाँ रहते हैं, पूना में. पूनम रखेंगे. और अपने को किसने दत्तक लिया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने. तो बीच में जैसा बाप अपना करते हो, बाप निभाता है, यहाँ जैसा मरद निभाता है, वैसे गवर्नमेंट ने किया. तो महाराष्ट्र नाम लगा देंगे. और किस देश से अपन, तो इंडिया से करके हिंदुस्तान. मैं मरना पसंद करूंगी, मगर जिनकी इज्जत अपने को, उनके हिसाब से जिनकी इज्जत अपने को संभालना नहीं आया, तो उनके घर में क्यों जाऊंगी. कोई लड़की शरीर बेचने के बगैर वो ट्रक चला के भी पैसा कमाएंगे, तो बहुत बड़ा सामाजिक कार्य अपने हाथ से हो रहा है. उसकी वजह से मैंने ट्रक का रास्ता चुना. तो वैसा ही मैंने सोची कि बाबा सब औरतें जो काम करते ना, वो औरत वो काम नहीं करने का, सबसे अलग. के मंजीरे आज खनकने लगे, भूले थे चलना कदम थिरकने लगे. अंग अंग बाजे मृदंग सा सुर मेरे जागे, सांस सांस में बास बास में धुन कोई साजे. गाए मीनाक्षी मंदिर है ना, उसको दर्शन करने के लिए उधर जाके हमने वो जो बाजार है ना, बाजार में घूमे, दो साड़ियाँ लिया. कर्नाटक में था और बोला एंट्री. मैं बोले एंट्री का मतलब क्या है, हमने ऐसा पूछा. एंट्री का मतलब तंबाकू भी खाते हैं, तंबाकू कभी कभी बियर भी लगाते, बियर भी रास्ते में इतने पीने के. और उनसे ज्यादा नाटक, नाटक ज्यादा करने का. हम करे करे मदर चौक हमका तमका, क्योंकि जरा उनको भी लगना था अरे बहुत हो गई है. अपने को मालूम है अपन अपने हिसाब में, और उनको मालूम होना चाहिए अरे नहीं. जैसे फिल्म लाइन में कैसा, तुम शरबत पियेंगे और दारू का नाटक. और सॉरी मैं अपना ट्रक है ना, यहाँ जहाँ का भी भाड़ा मिले. पहले तो साकर कर कर ना फैक्ट्री का जॉब रहता ना, वो जॉब महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ना बॉम्बे में दहीसर के आगे, तो वहाँ पे वापिस कोई मुतुर के लिए मैं लेके गई थी, और गुजरात साइड में लेके गई थी, सूरत अहमदाबाद सूरत के आगे 70 किलोमीटर, अभी याद नहीं नाम होगा. ड्राइवर की कीमत मुझे कब पता चली मालूम, मैं खुद ड्राइवर हो गई ना जब ही पता चली थी. जब ये दंड है ना ऐसे सूझने के, जब खींचने की ना गाड़ी, वो खींचते टाइम क्या ताकत लगानी पड़ती है ना. लहानपणी ती खूप शार्प मुलगी होती, आणि शार्पपणामध्ये तिला प्रत्येक गोष्ट नवीन हवी होती. परिस्थितीमुळे तेवढ्या नवीन गोष्टी आम्हाला पुरवणं शक्य नव्हतं. या शाळेत तिला आता काल बोलवलं होतं 8 मार्चच्या दिवशी, त्या दिवशी तिने एवढ्या चिंचा काढल्या होत्या आणि सगळ्या हॉस्टेलच्या मुलींना वाटल्या होत्या. वास्तविकात हिचा काही दोष होता का, हिला एवढ्या चिंचा नको होत्या, पण ह्या एका कारणावरून त्या हॉस्टेलमधून तिला काढून टाकण्यात आलं. तो परवा सत्काराला तिला बोलवलं बाईंनी, त्याच बाईंनी बोलून.
दारावर येणं, खडे मारणं, जेवायचे, दारू प्यायची, पत्ते खेळायचे, असल्या ज्या गोष्टी असतात ना, त्या एकट्या मुली आणि ही जवान मुलगी आहे, मग विचार करा ना तुम्ही, मग कसा त्रास होतो, मग त्या अशा मुलीला चार बायका चांगल्या म्हणणार का? समाज से मुझे कोई कुछ लेना देना नहीं, जो भी ये सामने आके बात करे तो मैं समझू ना मेरी गलती क्या है। समोर हत्ती चालतो मागे भुगतात, इंदिरा गांधी तिथं कुणाचं तिथं काम जमलं करायला, कुणाचं नाही जमलं तिच्या वेळेनुसार, तिला काहींनी शिव्या दिल्या, काहींनी चांगलं म्हटलं, त्याच्याबद्दल वाद नाही आहे। तू ज्या वेळेस वडिलांनी तुला मारलं त्यावेळेस तू योग्य वेळेस प्रतिकार केला नाही, ह्या वेळेस ऐक, समज तुझी कॅपॅसिटी नाही आहे, मी मान्य करतो की आमच्या आई वडिलांनी आम्हाला कधी शिकवलंच बरोबर, त्यामुळं कदाचित ह्याला तुझ्या आई कारणीभूत, त्याला तुझ्या आई कारणीभूत, त्याला तुझ्या आई, मी याला कुठेतरी एक स्त्री कारणीभूत असेल ना, कुठेतरी एक स्त्री। हमारा पूरा खानदान है ना, हमारे पूरे खानदान में जो भी आदमी लोग हैं वो बहुत सभी औरत लोगों को बहुत मारते हैं। मैंने बचपन से मैं देखने की मेरे पिताजी मेरे माँ को मारते हैं, तो मैं सोचने की बाप रे अपने को भी ऐसा आदमी मिलेगा ना तो अपने मार खाने। चौथी में रहेगी तो मैं मार खा खा के तंग आ गई थी घर में, तो मैं क्या कर रही सोची हमारी यहाँ के सामने की लड़की ना बम्बई में काम करी, मैं बोली चलो बम्बई में भाग जाते थे और काम करेंगे किधर भी, तो मैं घर से भाग गई थी। तो फिर भिखारी लोगों में जाने की, उनके साथ में भीख मांगने की, और स्कूल का तो अच्छा बैच था मेरे, अच्छे स्कूल में थी तो स्कूल का नेम था, फिर भी भीख मांगने की, कचरा पेटी से जो रात को होटल वगैरह खाना डालते ना वो सब बटाटा वगैरह सब्जी लाने के, हम लोग भिखारियों के साथ में धोने का नल के नीचे वो खाने का। और उधर किसी किसी के साथ मुलाकात, जो पॉकेट मार के लड़की लोग आते, एक लड़की ने तो मुझे पॉकेट मारना भी सिखाया था। ये मार खाने से वो जिंदगी, आज मुझे बताया कि वो जिंदगी सही नहीं थी, मगर ये मार खाने से वो जिंदगी अच्छी थी। और मैं ना क्यों करी मालूम की शादी भी, मेरे माँ बाप को तंग आके करूँ, मैं बोले भाग भाग जाऊंगी तो इनका नाम मेरा पीछा करता है, एक बार शादी हो जाएगी तो इनका नाम ही मेरे नाम से निकल जाएंगे। समोर गायकवाड म्हणून राहत होते, त्या मुलाचं, तो मुलगा तिच्या कामावर जायचा, ती आरटीओची कामं करत होती, तो मुलगा तिथे जायचा आणि ही त्या मुलाची आई तिला अनुरूप झाली होती। आणि मग मात्र जेव्हा हे म्हणाले की आम्ही लग्न वगैरे करणार आहे, लग्न केलं आणि नंतर मात्र घरात घ्यायला तयार झाली नाही, अशा परिस्थितीत समाज काहीच करू शकत नाही ना। जब वो लड़का मेरे को बोला था, मैंने ऐसी सवाल करी थी उसको, ऐसे कुछ भी अपन सवाल नहीं की करते, अपना पार्टनर है तो कैसे क्या जिएंगे कैसे क्या, और मैं बोली तेरे घर वाले मेरे को पसंद करेंगे, तो बोले, मैं बोली तेरी माँ ने जान बीन दी तो जो छोकरा अपने को बोल रहा, मेरे को मेरे भगवान की कसम है उसने मेरे को क्या बोला मालूम क्या, चार दिन देर से मरने वाली चार दिन जल्दी मरेगी मेरे माँ, तो ऐसा छोकरा अपने जिंदगी में अपने को बोले तो अपने को धोखा देगा, ये मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा। बोली चौकी में उसका ऐसा शर्ट पकड़ा मैंने, घुसुंडी पकड़ा, मैं बोला देख तेरे को इसी जगह पे हम घटस्फोट देता है, इसी ड्यास देता है, मगर अपने को है ना चक्कू लगा के शादी कराना हमने तेरे साथ, तू बोल रहा ना खुद मुँह से बोल रहा ना, तो हम चक्कू लगा के तेरे साथ फोटो निकालने का और पेपर न्यूज पे देने, मैं लड़की क्या मंडे का भाजीपाला हूँ, छाराना आटाना बेचे बेचे जैसा तू बोल रहा चक्कू लगा के शादी कराऊंगा। एक तरफ रो रही थी आंख में से पानी जा रहा था, एक तरफ सब कुछ
सभी क्रॉस में थे ना मेरे, सब दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ, खाली सच ही मेरे साथ में था। मैं क्या बोलती थी उस टाइम पे, वो बोलता था ना, पहले मैं प्यार करता था, अभी मेरी तमन्ना नहीं है तो फिर मैं मान लेती थी, मगर मैंने पहले मैं नहीं प्यार करता था तो फिर जवाब कैसे देता था, आया क्यों घूमने के लिए, मेरे साथ में आया क्यों, जो भी होटो से हो, हालांकि उसके मेरे शारीरिक संबंध नहीं है, मगर जो होटो से होट मिला है वो भी तेरे के बाप की प्रॉपर्टी थी क्या? खुद के घर वाले नोचने लगे ना तो बाहर वाले नोचते ही नोचते, खुद का बाप वो अच्छी लड़की नहीं है, उसको खलास हो छिनाल है, इसी गालियाँ बिलिया उनके सामने भेज दो। और गालियाँ भी दिया, वो भी रोते रोते दिया, तो मेरे बाप के आंखों में ना, मैंने बचपन से कभी आंसू नहीं दिया, तो मेरे बाप को मैंने रुलाई, गालियाँ फिलहाल मैंने उनकी इज्जत नहीं संभाली, एक तरफ से उससे गुस्सा और जो प्यार होता है प्यार की तरफ से आंसू, ऐसा दोनों। तो मैंने सोची कि अपने अपने बाप की क्या इज्जत रखे, तो अपने को जिंदगी में जीने का क्या अधिकार है, और मरूं तो मैं अकेले क्यों मरूं, मैं उसको मारूंगी। जब दिल में ठान ली फिर कैसा मारने का, 2 किलो तेल लेके आई, फिर उसको उबाली गैस पे घर में, फिर वो लाके, मेरे को मालूम था ना मेरा टॉयलेट गया है, वो उधर से आने की राह देख रही, फिर चुपके से उसको देखी, मैंने उसका मुंह जलाना चाहा था। प्यार कितना बेकार चीज़ है, प्यार था करके उसका मुंह भी नहीं जलाई, जला तो वो यहाँ से यहाँ पे, फिर जाके पेट्रोल डालना था तो पेट्रोल डालने के पहले उसने दरवाज़ा बंद करके, मैंने इतनी अच्छी साड़ी हल्दी बिल्दी लगाई थी, छोटी बड़ी पहनी थी, मैं बोली मैं जलाऊंगी ना तो भी भागने जाऊंगी, इसलिए मेरे को आके पकड़ने मांगता, और मैं बोलूंगी जला है ना, अभी तो पकड़ा ना मेरे को, बस इतना ही बस है, मैं बोली मरने का चाहिए तेरे साथ में मरने। मुझे नहीं लगता मैं डेरिंग बाज हूँ, क्योंकि मुझे मॉल ने बना दिया ऐसा, जो भी मैं बनी मैं मॉल से बनी। दोन चार बोल ना, तला कौन है? निसर दे वाइफ ले कर, चलो बोल। देखो ये हमेशा यही माहौल है हमारा, क्या करें हम, यही माहौल है। इसके लिए मैंने वो एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर के पास कराया कि बाबा अपना बेटा है, जाऊन बोल ना तू, चला मैं बोला लो, इकड़ बोलो, नहीं क्योंकि वो समझते थे नहीं, टपोरी लड़की कैसी, टपोरी लड़के, ए आवाज पहले बंद, यहाँ जो काम चल रहा है तेरा आवाज सब सुनाई दे रहे थे, जो भी है शाम को बात कर, अभी देख क्या चल रहा है, देखा रहा ना वो शूटिंग ले रहे हैं, तू अभी बात मत कर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही तेरे को।
रस्ता मधून सरक जर तुझा देखो उसकी औरत कमाती है 2,500 कमा ये कोई कमाता है 100 रुपये कमाएंगा 50 रुपये के दारू पिएगा 10-20 रुपये फिर वापस गांजा भेजा घर में पैसा भी देता नहीं कैसे संभालना वो औरत ने 3 बच्चे और नाम इसका फिर तेरे दांत तोड़ देगा तेरे को मारेगा ये करेगा अत्याचार करने वाले को मालूम नहीं होता ये अत्याचार है अत्याचार सहन करने वाला है ना उसने बता देना चाहिए कि तू ये करता ना ये गलत है ये मेरे पे अत्याचार करे आरटीओ में काम कुछ आने का तो सबको मालूम हो गया था ना मैंने आदमी के साथ ऐसा हो गया ला मैंने जला ली मैं अकेली अभी ऐसा वैसा तो साहब लोग मेरे को हमेशा बोलने के जो मेरे अच्छे हित चिंतक थे वो बोलने के लता क्या तू ऐसी जिंदगी निकालेंगे क्या तू कर डालना शादी करना बोले तो मैं घर पे आके ना ऐसा बैठे सोचने की तो मेरे को मैंने बोली ना मेरे घर में जो फोटो था शेरनी का फोटो था उसमें उसका छावा था तो मैं बोलने की यार अपन शादी काहे के लिए करते हैं तो बच्चे संसारी तो ये शेरनी के पास भी उसका छावा है मैं बोली मैं हमेशा मेरे को खुद को शेरनी समझती थी तो मैं बोली मैं अपने को खुद को शेरनी तो शेरनी भी बच्चे पैदा कर मैं बोले बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना तो ज़रूरी नहीं होता है तो मैंने मेरे सोची कि यार बच्चा पैदा करने के लिए क्या जरूरत हम एक आधा अनाथ गोद लेंगे तो उधर गई तो उधर में जो नहीं 4,450 पेमेंट होना गवर्नमेंट सर्वेंट होना नहीं तो फिर बिजनेसमैन रहेगा तो इनकम टैक्स पेड़ रहा हूँ तो वो भी नहीं थे मैंने क्या बोली थी उनको कि ऐसा तो भी निकालो तुम कि नहीं क्या कि हमारे पेट में की जो बच्चे की थैली है वो निकाल डालो ऑपरेशन करके फिर हमको एक बच्चा दे दो हम बच्चे देखो कैसा संभालते तो बोले नहीं ऐसा कानून में किधर नहीं तो मैं बहुत रो रो के वहाँ से आई थी उनको बोली मैं दूँ क्या 2-3 बच्चे पैदा करके आपके पास कि जो ऐसे लड़के लोगों को मैं बोली समाज ही उसको ऐसे माहौल में लाता है फिर उसके बाद मैंने सोची मैंने खुद की रिक्शा विक्शा हो गई घर भी हो गया मेरे पास 20,000 रुपये रह गए फिर मैंने सोची बच्चा पैदा करने का फिर मेरे दोस्त के पास से मैंने एक बच्चा पैदा कर मैं भी एक झाड़ हूँ झाड़ को फूल आने वाले तो फल भी आने वाले तो मैं ये फल को संभाली तो कौन सी मेरी गड्डी बड़ी गलती तो मेरे को जब समाज बदलना है तो मैं कुछ तो भी अलग ढंग से बदलू पूनम सब फॉर्मेलिटी से लेडीज रहती है ना कि नहीं पंजाबी ड्रेस ही पहनने का साड़ी ही पहनने की वैसे ही रहती थी और बिंदी लगाने की और ज़्यादा किसी से बात नहीं करने की अपने घर में ही रहने का लेडीज है तो घर में घर का ही काम करने का बाहर का कुछ देखने का नहीं ऐसा था और उसके बाद वो जब उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हुए मानसिक टेंशन से जब वो घर से बाहर निकली तो उसके बाद वो उसने उसके पहराव में थोड़ा चेंज कर लिया पर मैं ऐसा कभी ऐसा उसको फर्स्ट टाइम देखा बोला क्या बाल बिल काट के अरे बोला तू तो अभी तो लड़का दिखता है यार बोला तू किसको भी लड़ सकती थी
इंसान इंसान को प्यार करेगा ना तो परिवार बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन पे बोले तो प्यार पे डिपेंड रहता है। तुम सामने वालों को जैसा ट्रीट करोगे वैसा। मैं आने आई दोनों टाई चाहते रहता हूँ कारण मैं तो ऑलरेडी बहन मान ली लेते माझी मुलगी मुलीच्या ठिकाणी ही मुलगी मी मानले ही माझी सखी मुलगी काय स्वतःची मुलगी म्हणून मी मानले मुझे उसके विचार मतलब सबसे अलग टाइप का जीना सब लेडीज ये करती है तो वो नहीं करने का कुछ अलग करके दिखाने का वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई बऱ्याच स्त्रिया ज्या महाभारतीय स्त्रिया आहेत त्या त्यांच्यावर बरेच अत्याचार आहेतच पण त्या अत्याचाराच्या विरुद्ध एखा दुसरीच मान वर काढू शकते नाही तर बाकी सगळ्या दबल्या जातात आपला संस्कार माँ बाप का मरद रहे तो औरत क्या बोलती म्हणून क्या छाता तो है बाबा सर पे छाता आदमी ने चार औरत बनाया तो उसको कोई तकलीफ नहीं है मगर औरत ने एक मर्द छोड़ के दूसरा किया ना तो उसको बहुत सारी दुनिया की नजर में बहुत तकलीफ क्यों भाई ऐसा क्यों समाज यहाँ से भी मारती है समाज वहाँ से भी मारती है अगर समाज की तरफ खाया ना ये ऐसी लड़की है और समाज की तरफ नहीं भी गया तो लड़की ऐसी जे दोनों समाज यहाँ से भी मारती है वहाँ से भी मारती है डैशिंग है किसको डर किसी से भी डरती नहीं लेडीज को प्रेरणा मिलती है ना उससे ऐसा करना मन शी इज द टॉप ऑफ द इंडिया